नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल नए तरीके की सोयाबीन और भिंडी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर होती है और भिंडी तो सभी को बहुत ही पसंद होती है, तो क्यों ना इन दोनों को मिलाकर ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो गुणों से भरपूर हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ले लिया 1 कप सोयाबीन का चूरा, जिसे सोया ग्रैनुअल्स भी कहते हैं। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है और ये मैंने 1 कप के करीब लिया है। अगर ये आपको ना मिले ना, तो जो सोयाबीन साबुत होती है ना, सोया चंक्स, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे उबाल कर, निचोड़ कर, आप मिक्सी में दरदरा पीसे तभी इसे आप यूज़ करें। अगर आप इसको सूखा ही यूज़ करेंगे ना, तो ये पाउडर बन जाएगा। मैंने एक पतीले में ना थोड़ा सा पानी उबलने रख दिया था। जब पानी में उबाल आ जाए तब इस सोयाबीन के चूरे को इसमें डाल देंगे और गैस को कर देंगे हाई मीडियम। और इसको हमने उबाल लेना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए। देखिए ये हो गया है, इसे करने में हमारे 3 मिनट लगे हैं। अब इसे एक छन्नी में छान लेंगे। इसको छानने के बाद ना हमने हल्का हल्का निचोड़ लिया था और एक बर्तन में निकाल लिया है। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्ची और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाल रही हूँ पिसी हुई सौंफ। ये जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने ली थी 2 से 3 ना छोटी इलायची, उनको पीस लिया था, वो डाल रही हूँ। और थोड़ी सी लिए मैंने कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। मैंने ले लिया था इसके साथ ही थोड़ा सा दही, ये 1/2 कप के करीब है। ये घर का जमा हुआ दही है, ये कम खट्टा दही है। इसे हल्का हल्का मैंने फेंट लिया है, वो डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको हमने ढक कर रख देना है, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। अब लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें 2 चुटकी हींग डाल दूंगी, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और हमने डालना है 1/2 टीस्पून से कम जीरा, थोड़ा सा चला देंगे जीरा अच्छे से फूल जाए। मैंने ली थी 2 प्याज बड़े साइज की, उसको ना बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया चॉपर में। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब प्याज अच्छे से हो जाए, जल्दी से हो जाए, मैं नमक अभी से डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने ली थी 2 सूखी लाल मिर्ची, उसको ना छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अब अच्छे से प्याज को भून लेना है गोल्डन होने तक। जब प्याज हो जाए ना, तब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब डाल देंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज़ किया है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे हल्दी पाउडर। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने लिए थे 2 टमाटर, उनको छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको भी हमने ना ढककर पका लेना है टमाटर को, जो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। मैंने ले ली थी 250 ग्राम भिंडी, जिसे अच्छे से वॉश करकर किचन टॉवल से पोंछ कर, और मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह मैंने सारी भिंडी को काट कर तैयार किया है। अब हम चेक कर लेते हैं टमाटर को। देखिए टमाटर भी ना काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने ली थी 3 से 4 हरी मिर्ची, जिसको बीच में से चीरा लगाकर ना छोटा छोटा काट लिया है। देखिए मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और थोड़ा सा लिया था अदरक का टुकड़ा,
उसे भी ना पतला और लंबा काट लिया है, बहुत ही टेस्टी लगेगा इसमें। इन दोनों को भी मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम डाल देंगे भिंडी को। भिंडी को डालने के बाद हम गैस को कर देंगे मीडियम और इसे मिक्स करते हुए हमने 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भून लेना है मसाले में। भुनने के बाद हम गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो भिंडी है ना, बहुत हद तक सॉफ्ट हो गई है। हमने इसको छोटा छोटा काटा था, वैसे ही भिंडी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब इसमें हमने सोयाबीन के चूरे को भी डाल देना है। अब इसको डालने के बाद भी ना हमने अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जो उसकी सारी चीजें है ना बहुत अच्छे से भून जाए। अब गैस को लो मीडियम कर देंगे और इसको हमने ढक देना है 7 से 8 मिनट के लिए। 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हुई है। हम गैस को बंद कर देंगे। आप एक बार इस ढंग से सोयाबीन और भिंडी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स करके जो बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।